हे व्यूअर्स, आज हम आपको फ्रेंच टोस्ट बनाने सिखाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले ब्रेड, आप व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड दोनों ही ले सकते हैं, आधा ग्लास दूध, थोड़ी चीनी, आप अपने हिसाब से शुगर ले सकते हैं, अगर डायबिटीज है तो कम भी कर सकते हैं, वन एग, थोड़ा सा सैफरन, ज़ाफ़रान और फ्राइंग ऑयल। मैंने यहाँ एक बाउल में दूध, चीनी, अंडा और ज़ाफ़रान इनका मिक्सचर बना लिया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है ताकि ये हमारे स्लाइस को अच्छे से ले ले। उसके बाद यहाँ मैंने अपना स्लाइस इसमें डाला और दोनों साइड से इसको पलट के फिर मैंने इसको कढ़ाई में पहले से थोड़ा घी डाल के रखा है या तेल, और उसमें फ्राई के लिए डाल दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से भी डाल सकते हैं, इससे आपका स्लाइस थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। आप अपना गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए और उसको बहुत आराम से सब तरफ से आप टिकने दीजिए, क्योंकि ब्रेड का स्लाइस है, मिल्क है, एग है, शुगर है, तो इन सभी कंटेंट्स को बनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। नाउ टर्न योर स्लाइस, आप इसके दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लीजिए, देख लीजिए। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड्स का टाइम दीजिए ताकि ये इसी तरह से जैसे हमारे बाकी के और गोल्डन ब्राउन हुए हैं उसी तरह से हो जाए। ये थे हमारे स्वीट फ्रेंच टोस्ट, जो कि हम नाश्ते में या शाम की चाय के साथ या बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम व्यूअर्स, मैं आपको नमकीन टोस्ट बनाने सिखाऊंगी, सॉल्टी, जिसमें थोड़ा सा मसाला होगा ताकि बड़े लोगों को भी अच्छे से पसंद आए। तो ये थी हमारी रेसिपी ऑफ फ्रेंच टोस्ट, आई होप कि ये आप सब लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, काइंडली व्यू आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।